हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सब खैर से होंगे। तो यार देखो, इस साल मुकाबला होने वाला है दो एक्टर्स के बीच में, वो हैं अक्षय कुमार एंड अजय देवगन। इन दोनों ही एक्टर्स की दोस्तों चार चार फिल्में 2024 में रिलीज होने वाली हैं एंड ईद पे दोस्तों इनका क्लैश भी होने जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों अक्षय कुमार की सबसे पहली जो इस साल फिल्म आने वाली है वो है बड़े मियाँ छोटे मियाँ, और अजय देवगन की जो सबसे पहली फिल्म आएगी वो है शैतान। तो अगर दोस्तों मैं बात करूँ शैतान और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में कौन सी फिल्म ऐसी है जो कि दोस्तों पोटेंशियल लगती है एक सुपरहिट फिल्म का टैग लेने का, तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूं कि यहाँ शैतान बाजी मारती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शैतान का टीजर ट्रेलर इतना ज़्यादा इम्पैक्टफुल रहा कि ऑडियंस ने दोस्तों मन बना लिया कि इस फिल्म को दोस्तों थिएटर में जाकर देखना है। वहीं अगर मैं बात करूँ बड़े मियाँ छोटे मियाँ की, तो मेरा भाई अभी तक इस फिल्म से जितना भी कुछ आया है वो इम्प्रेस करने में कामयाब नहीं रहा है ऑडियंस को, चाहे इसका टीजर हो चाहे इसका बड़े मियाँ छोटे मियाँ का जो टाइटल सॉन्ग था वो हो, दोनों ने दोस्तों निराश किया है। हालांकि टीजर देख के थोड़ी सी उम्मीदें जगी थी, लेकिन जो इसका गाना था उसने सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। एंड ऐसे में दोस्तों बड़े मियाँ छोटे मियाँ का ट्रेलर अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर उसका ट्रेलर ने भी कोई इम्पैक्ट नहीं डाला ऑडियंस के ऊपर पॉजिटिव, तो समझ लीजिए कि वो फिल्म डूब गई, उसे कोई नहीं बचा सकता। क्योंकि बड़े मियाँ छोटे मियाँ के जो मेकर्स हैं उनका भी कोई रिकॉर्ड अच्छा नहीं रहा है पास्ट में। उन्होंने गणपत जैसी फिल्म बनाई है एंड जितनी भी फिल्म है उनकी पिछले 5-7 साल से फ्लॉप फिल्म वो दे रहे हैं। वहीं दोस्तों शैतान को लेकर के दोस्तों हर तरफ पॉजिटिविटी चल रही है। फिल्म का टीजर काफी अच्छा लगा पब्लिक को एंड इसके ट्रेलर ने दोस्तों एकदम से माहौल बना दिया है। एक अच्छी हॉरर फिल्म दोस्तों हमारे बॉलीवुड में बहुत कम बनती है, लेकिन शैतान वो मूवी है जो कि ऑडियंस को थिएटर तक खींच कर ला सकती है। एंड अजय देखो दोस्तों वो एक्टर हैं जो कि कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म बना रहे हैं इस वक्त में। वो बड़ी फिल्मों के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो लाल जाने लाइफ कैरेक्टर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो 1000 करोड़ के पीछे नहीं भाग रहे हैं, वो एक कंटेंट वाली फिल्म लेकर के आ रहे हैं। और इसी कंटेंट वाली फिल्म में आती है फिल्म शैतान। शैतान दोस्तों डेफिनेटली इसका टीजर ट्रेलर देख करके ऐसा लगता है कि भाई ये फिल्म फाड़ देगी थिएटर में। दोस्तों ऑडियंस भर भर के जाएगी इस फिल्म को देखने। एंड ये दोस्तों एक कहते हैं ना कि फैमिली वाली फिल्म है, ऐसा नहीं है कि हॉरर फिल्म है तो इसमें बहुत ज़्यादा एडल्ट सीन्स होंगे, टीजर ट्रेलर में ऐसा कोई भी एडल्ट सीन देखने नहीं मिला है। तो ये फिल्म टोटली फैमिली फिल्म होने वाली, जिस तरीके की दृश्यम फिल्म थी। एंड अजय देवगन दोस्तों बहुत अच्छी रीमेक बनाना जानते हैं, तो इस फिल्म का ट्रेलर मुझे पर्सनली काफ़ी अच्छा लगा एंड मैं दोस्तों श्योर फर्स्ट डे इसका फर्स्ट शो देखूंगा। लेकिन बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर के अभी भी डाउट है कि ये फिल्म दोस्तों किस तरीके की होगी। तो अगर मैं देखूं तो दोस्तों मुझे लगता है कि अजय देवगन बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं, जहां अक्षय कुमार की बड़े मियाँ छोटे मियाँ मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है 2024 की, वहीं अजय देवगन की मोस्ट एंटिसिपेटेड फिल्म है सिंघम 3, जिसको लेकर के दोस्तों बस अभी से बनना शुरू हो गया। तो अजय देवगन लगता है कि 2024 के किंग रहने वाले हैं। अक्षय कुमार दोस्तों सेकंड नंबर पे आ सकते हैं, क्योंकि अक्षय कुमार की इतनी अच्छी कोई फिल्म नहीं आ रही है। सरफरा फिल्म है जो कि रीमेक है, हो सकता है दोस्तों वो फिल्म चल जाए, लेकिन वो फिल्म ऑलरेडी ऑडियंस देख चुकी है तो उसका चलना थोड़ा मुश्किल है। वहीं दोस्तों अजय देवगन की शैतान भी एक रीमेक है, लेकिन इस फिल्म को चलना थोड़ा आसान है क्योंकि इस फिल्म का ओरिजिनल वर्जन किसी ने अभी तक नहीं देखा है हिंदी में, तो ये फिल्म चल सकती है। एंड सरफरा नहीं चलेगी बड़े मियां छोटे मियां, और अगर सिंघम का दोस्तों कंपैरिजन किया जाए तो सिंघम यहां है तो बड़े मियां छोटे मियां यहां है। तो देख लीजिए दोस्तों, आप अपना कंपैरिजन करके बताइए कमेंट बॉक्स में जाकर के कि आप किस फिल्म के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हैं और क्या लगता है आपको 2024 का किंग कौन रहने वाला है। अजय देखो नहीं, अक्षय कुमार खान तो दोस्तों इस साल में है ही नहीं, ना सलमान खान की कोई फिल्म आ रही है, ना शाहरुख खान की कोई फिल्म आ रही है, ना ही दोस्तों आमिर खान की कोई फिल्म आने वाली है। तो इस बार बॉलीवुड की अगर मैं बात करूं तो टक्कर केवल अजय देवगन और अक्षय कुमार के बीच में है। तो आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। चैनल पे पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना।